दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंटेंट गुरु पे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए हमारे चैनल पे कंटेंट गुरु। आज जो हम टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इस समय पॉपुलर, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग कह लो, क्या कह लो, इस टॉपिक का नाम जीएसटी है। ये जीएसटी सीरीज़ का ही हमारा टॉपिक नंबर 2 है। इसके अंदर हम क्या आपसे सिंप्लीफाइड वे में क्या डिस्कस करने वाले हैं कि आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी होता क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है। पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे साथ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, मैं इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट कम बोलूँगी, उनको ये बोलूँगी जीएसटी स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं, मिस्टर नंदा, जो कि इन सब चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमें सीजीएसटी है तो वो कहाँ लगेगा, एसजीएसटी है कहाँ लगेगा, आईजीएसटी है तो उसका क्या मतलब है और उसको कैसे 9% है, 18% है, मेरी समझ से तो बाहर है। क्यों ना हम मिस्टर नंदा से ही पूछें इसके बारे में, वो बेटर है कि एक्सप्लेन करें। मैं उनको इंट्रोड्यूस करती हूँ, मिस्टर नंदा को। नंदा इज़ बैक, सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू हिम। थैंक यू सारिका फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और अब हम जीएसटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के। इन दिस पार्ट 2 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई डिड इंडिया नीड जीएसटी और कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में अब कवर हो रहे हैं। इंडिया को जीएसटी क्यों चाहिए था, उसके दो कारण हैं। एक तो बहुत सारे लोग इस देश में टैक्स नहीं दे रहे थे, तो गवर्नमेंट कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहती थी कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट टैक्स तो वैसे ही नहीं देते हैं। 125 करोड़ की आबादी में इंडिया में इनकम टैक्स देने वाले सिर्फ 3 करोड़ 25 लाख आदमी हैं अंदाजा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि उस 125 करोड़ में से इनडायरेक्ट टैक्स तो हर एक को देना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ भी आइटम खरीदते हैं तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स उसका पार्ट एंड पार्सल होता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उस केस के अंदर कम से कम डायरेक्ट टैक्स कम लोग दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरा सरकार को मिले। उसमें भी क्या हो रहा था कि 60 से 70% ऐसी प्रोडक्शन है इस कंट्री में जो इनडायरेक्ट टैक्स भी नहीं देते, क्योंकि वो पहले एक्साइज की चोरी करते हैं, क्योंकि एक्साइज नहीं देते इसलिए वैट में रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, वैट नहीं दे रहे थे इसलिए जो है वो आगे एक्साइज चुंगी कुछ नहीं देते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो उस सब को ब्रिज करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि एक ही टैक्स लगा देते हैं जिसको जीएसटी बोलते हैं, उसमें सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगा देते हैं और उसके बाद ये सख्ती करते हैं कि कोई भी आदमी बिना टैक्स के कुछ नहीं कर पाए। और दूसरा, अगर वो 2 नंबर का माल बना भी ले तो उस 2 नंबर के माल को वो ट्रांसपोर्ट ना कर पाए, वो एक जगह से दूसरी जगह ना भेज पाए, ताकि उसका 2 नंबर का माल बनाने का इंसेंटिव ख़त्म हो जाए या उसका जो प्रॉफिट है उसको वो माल बना भी ना पाए, बना ले तो भेज ना पाए। तो ये सब अपन स्टडी करेंगे इस सेक्शन के अंदर। इसमें देखिए बेसिक बात वही है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के बाद गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल बनाई। जीएसटी काउंसिल में क्या है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो उसमें 67% वोटिंग एक स्टेट, हर स्टेट गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस स्टेट्स की मिला के टोटल वोटिंग 67% स्टेट्स के पास है और सेंटर के पास 33.33% वोटिंग है। और जीएसटी काउंसिल का कोई भी रूल, लॉ या प्रपोजल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक उसमें 75% वोटिंग ना हो जाए उसके फेवर में। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तब तक कोई भी जो आपका एक्ट है, कोई भी रूल है, वो रूल या एक्ट नहीं बन पाएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके फेवर में वोट नहीं करेगी, क्योंकि तभी 75% आप परसेंटेज पे पहुंच पाओगे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं भी चाहे तो भी रूल बन पाएगा, क्योंकि स्टेट्स का टोटल वोटिंग पावर ही 67% है। तो अब जीएसटी काउंसिल बन चुकी है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका है, स्टेट्स ने जीएसटी लॉ पास कर दिया है, सेंटर ने जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी लॉ पास कर दिया है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लॉ पास हो गया है और जो स्टेट कंपनसेशन लॉस थे वो पास हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है स्टेट्स को कि आप जीएसटी नेटवर्क में आ जाइए, अगले 5 साल में आपका जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस का नुकसान होगा वो हम आपको 100% आपको देंगे रीइंबर्समेंट। तो अब इन्होंने क्या करा है कि कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो आपके उसके अंदर जीएसटी में आ रहे हैं। मेन जो सेंट्रल टैक्सेस हैं
वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कुछ ऐसे सेंट्रल टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर अब आ गए हैं। उसमें पहला है एक्साइज ड्यूटी, दूसरा है सर्विस टैक्स, तीसरा है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, चौथा है स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये स्टेट के दो टैक्स हैं, एंट्री टैक्स स्टेट का टैक्स है और लग्जरी टैक्स स्टेट का टैक्स है। तो स्टेट के ये चार नीचे के टैक्स हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। और बाकी के जो टैक्सेस हैं यानी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सेंट्रल के टैक्सेस हैं। जो सेंट्रल के टैक्सेस हैं वो बन गए हैं सीजीएसटी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक इकट्ठे कर रही थी वो सारे सीजीएसटी बन गए हैं, यानी कि सेंट्रल जीएसटी बन गए हैं। वो टैक्सेस हुए आपके एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडवेलरम ड्यूटी, स्पेशल सीवीडी टैक्स, सरचार्जेस और सेसेस। ये सारे सेंट्रल जीएसटी बनेंगे और जो स्टेट के टैक्सेस थे वो सारे स्टेट जीएसटी बनेंगे यानी एसजीएसटी बनेंगे। उनमें सबसे मेन टैक्स है वैट, एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स। ये सब स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, वो स्टेट के टैक्सेस बन गए, उनको एसजीएसटी बोलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा है, बहुत ही सिंपल सिस्टम कर दिया है। अगर आप सपोजिंग कोई आइटम 18% रेट में है तो उसके अंदर 9% सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, यानी कि 18 के आधे आधे 9% सेंट्रल जीएसटी, 9% स्टेट जीएसटी। सिमिलरली अगर 12% का रेट है तो उसमें 6% सेंट्रल जीएसटी, 6% स्टेट जीएसटी। और अगर वही आइटम आप दिल्ली से हरियाणा भेज रहे हैं या दिल्ली से यूपी भेज रहे हैं यानी कि इंटर स्टेट कर रहे हैं, तो वो दोनों टैक्स मिलके आईजीएसटी कहलाएंगे, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाएंगे। उसके अंदर 9% प्लस 9% की जगह अलग अलग लगने की बजाय 18% का रेट हो जाएगा, या 12% है तो 12% का रेट हो जाएगा। तो टू कवर इट इन नटशेल, दो जो टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही थी वो सारे सीजीएसटी बन गए, जो टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लेवी कर रही थी वो सारे एसजीएसटी बन गए। जो भी जीएसटी का रेट है उसके आधे आधे बांटे जाएंगे, यानी अगर 18% का रेट है तो 9% सीजीएसटी होगा, 9% एसजीएसटी होगा। अगर वही माल आप इंटर स्टेट बेच रहे हैं यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट को बेच रहे हैं तो वो टैक्स इकट्ठा करके लिया जाएगा, उसको इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलेंगे, लेकिन रेट सेम रहेगा। तो अब जीएसटी में क्या हो गया, पैन इंडिया आपका टैक्स का रेट सेम हो गया। अगर 18% है तो पूरे हिंदुस्तान में 18% है, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे यूपी में है, चाहे हरियाणा में है। तो इससे क्या हुआ कि देश का रेट एक जैसा हो गया। हम महाराजा रंजीत सिंह की तरह अब पूरा देश वो जैसे एक आंख से देखते थे, वैसे ही हम भी अब सारे देश को टैक्स के मामले में एक आंख से देखेंगे। तो अब ये जो है आपको समझ में ये आना चाहिए कि अब कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो रह गए। देखिए, एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी रह गया, एक स्टैम्प ड्यूटी रह गया और एक टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी भी रहा। हर स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टैम्प ड्यूटी रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी और टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी अपने आप से अपने रेट के हिसाब से लगाएगी। वो सेंटर ने इसलिए करा है कि ये दोनों टैक्स मिला के स्टैम्प ड्यूटी और ड्यूटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू बनाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स स्टेट का। तो 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स का अभी गवर्नमेंट ने टच नहीं करा है पहले 5 साल के लिए, और बैलेंस 50% के लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आपका कोई इनडायरेक्ट टैक्स में नुकसान भी होगा तो वो हम भरेंगे, ताकि स्टेट्स मान जाएं। और बेसिक कस्टम ड्यूटी पहले भी आपकी कॉस्ट थी, अभी भी कॉस्ट रहेगी, वो सीजीएसटी में कवर नहीं होगी। लेकिन जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी, जो एडवेलरम कस्टम ड्यूटी थी, वो कवर हो रही है, वो अब ये हटके आईजीएसटी बन जाएगी। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और जो SEZ को सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो SEZ को जो भी सप्लाई होगी वो ये माना जाएगा एज इफ इट इज़ एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया। सो उसके लिए आपको जो भी आप एक बार एक्सपोर्ट करेंगे उसमें रूल ये बनाया है गवर्नमेंट ने कि एक बार आप टैक्सेस देंगे और बाद में आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन देंगे तो वो आपको टैक्सेस वो रिफंड हो जाएंगे। तो ये अपन ने अब तक कवर करा। मैं एक बार आपको पूरा नटशेल में बता देता हूँ कि हमने अब तक ये समझा कि कौन कौन से टैक्सेस सीजीएसटी में जाएंगे। वो टैक्सेस हैं आपकी एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स।
ये तो आपके सीजीएसटी बन गए। स्टेट जीएसटी में जो कवर होंगे वो होंगे वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये सब आपके स्टेट में कवर होंगे। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया। जब आप सेम किसी भी आइटम को विद इन द स्टेट बेचेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, आधा आधा लगेगा, अगर 18% और 9% लगेगा। अगर सेम आइटम आप इंटर स्टेट बेचेंगे यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचेंगे, दिल्ली से हरियाणा या दिल्ली से यूपी, तो आपको 18% आईजीएसटी लग जाएगा बजाय इसके 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगने के। तो ये नटशेल में मैंने आपको ये समझाया कि कौन से टैक्सेस हैं, जीएसटी क्या है, कौन से टैक्सेस मिलके सेंट्रल जीएसटी बन रहे हैं, कौन से टैक्सेस मिलके स्टेट जीएसटी बन रहे हैं, और जब हम इंटर स्टेट अगर कोई सेल करते हैं तो ये दोनों टैक्स मिलके इंटीग्रेटेड जीएसटी बन जाते हैं जिसको आईजीएसटी बोलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कुछ डेफिनेशन, कुछ और चीज़ें। तो स्टे विद अस, कम बैक अगेन, वॉच द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।